हेलो दोस्तों, टेक्निक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ट्रिक लेके आया हूँ, जिसके हेल्प से आप अपने फोल्डर को लॉक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर में राइट क्लिक करके न्यू पे नोटपैड को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ आपको ये जो टेक्स्ट है वो पेस्ट करना है। ये टेक्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं जो इफ नॉट परसेंट पास परसेंट है, इसके आगे लिखा है वंडर हाउ टू। तो आपको इसको हटा के अपना फोल्डर का जो भी पासवर्ड रखना है वो रख सकते हैं आप। तो मैं अपने पासवर्ड रख लेता हूँ, मैं टेक्निक। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस फाइल को सेव एज करना है, और आप जहाँ पे भी वो फोल्डर बनाना चाहते हो बना सकते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे बनाना चाहता हूँ। तो अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको फाइल नेम क्या देना होगा। तो आपको देना होगा, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, बस आपको जो एक्सटेंशन देना होगा वो देना होगा .bat। जैसे मेरी फाइल का नाम है लॉक, तो मैं lock.bat रखूंगा फाइल का नाम। फिर मैं इसे सेव करता हूँ और इस फाइल को मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब ये जो लॉक है, मैं इसको डबल क्लिक करके रन करता हूँ, तो आप देखेंगे एक प्राइवेट नेम का फोल्डर ओपन हुआ है। तो मैं इसमें कोई भी फाइल रखता हूँ या कोई भी फोल्डर बनाता हूँ, तो अभी मैं इस फोल्डर में कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ। अब आप चाहते हो कि इस फोल्डर को लॉक करें, तो आपको जो ऊपर लॉक वाली फाइल है उस पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपसे ये पूछेगा, आर यू श्योर टू लॉक दिस फोल्डर। तो आपको लॉक करना है तो वाई दबाइए, और नहीं करना है तो एन दबाइए। तो मुझे लॉक करना, तो मैं वाई दबाता हूँ। तो आप देख सकते हैं फोल्डर गायब हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि वो फोल्डर वापस ओपन करें, तो आपको वापस इस फाइल को डबल क्लिक करके रन करना होगा। फिर ये बोल रहा है एंटर पासवर्ड टू अनलॉक योर सिक्योर फोल्डर। तो आपको बस अपना पासवर्ड डालना है। अगर जैसे मैं गलत पासवर्ड डालूंगा तो ये इनवैलिड पासवर्ड डाल के हट जाएगा, और अगर मैं सही पासवर्ड डालूंगा तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने फोल्डर को सिक्योर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।